अफीम की खेती प्रतिबंधित है या गैर कानूनी है, इसके रोकथाम को लेकर प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। अफीम की खेती के बजाय सरकारी स्कीमों से जुड़कर लाभ उठाए। चतरा उपायुक्त रमेश गोलभ डोडा अफीम की खेती करने वालों और उस कार्य में संलिप्त लोगों से गैर कानूनी एवं प्रतिबंधित खेती से दूर रहने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार अफीम की खेती के रोकथाम को लेकर निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अफीम की खेती के दुष्प्रभाव को लेकर प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि लोग अफीम की खेती को छोड़कर सरकार के द्वारा किसानों को दी जाने वाली स्कीमों से लाभान्वित हो और उन्नत किस्म की अफीम को छोड़कर दूसरी खेती से जुड़ जाए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाए। उपायुक्त रमेश गोलभ ने जिले वासियों से अपील किया है कि प्रतिबंधित खेती से बाज आएं। अगर फिर भी जिले में कहीं से अफीम की खेती किए जाने की सूचना प्राप्त होती है तो जमीन मालिक और खेती करने वालों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पिछले कई महीनों में आप देखे होंगे तो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा कई सारी कार्रवाइयां भी की है, जब्ती भी की है। जागरूकता के लिए भी आप लोग देखे होंगे कि लोकसभा के टाइम पे भी नो टू ड्रग्स यस टू वोट की थीम पे ही हम लोगों ने गांव-गांव में जागरूकता कराई थी। इसके बाद भी अगर कहीं पे इस तरह के मामले आते हैं, पहले तो मैं अपील करूंगा लोगों से कि लोगों के बहकावे में आके इस तरह की खेती ना करें, और यदि कहीं से सूचना मिलती है तो उनको कानून के तहत हम लोग सख्त कार्रवाई करें। क्या दुष्परिणाम हो सकता है सर अफीम की खेती से? देखिए, अफीम की खेती से ऑलरेडी एक तो वो कानूनी तरीके से जो भी उनको लीगल एक्शन उन पे होगा उसके कारण वहाँ के जो भी खेत जिनका होगा उन पे एफआईआर होंगे, उन पे कार्रवाई होगी। और बाकी भी हम लोग देखते हैं कि उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद भी जो युवा लोग उसके आदि हो जाते हैं उसके कारण हेल्थ से लेके बाकी भी उस समय भी कहीं पे पकड़ाया जाता है तो कार्रवाई होती है। तो मेरा अपील रहेगा कि लोग इस तरह के बहकावे ना आए। कृषि विभाग के द्वारा कई सारे कृषि की स्कीम्स है और उसके अच्छे डिफरेंट तरीके के क्रॉप्स के लिए डिफरेंट हम लोग सीड्स से लेके बाकी सारे सुविधाएं देते हैं, तो उसका लाभ ले, सरकारी योजनाओं से जुड़े और इस तरह के गलत कार्यों में किसी भी तरह से लोग ना आए। सर, एनसीबी की टीम भी चतरा में आकर के इस रोकथाम के लिए कुछ करेगी क्या? देखिए, बिल्कुल, ये हमेशा हम लोगों की भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग हुई थी उसमें हम लोगों ने ब्लॉक लेवल पे भी इसकी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है और एनसीबी के साथ कोऑर्डिनेट करके, फॉरेस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन सामूहिक रूप से इस तरह के मामलों में अभियान चला के सख्त कार्रवाई